जन्म जयंती से पहले कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा भारत रत्न। कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों के सबसे बड़े नेता थे, तो जो इंडियन अलायंस, सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना, इसके आधार पर जो हमले करने की कोशिश कर रहा था, ये फैसला उस वक्त नहीं कर पाए जब यूपी यूएफ और बाकी सरकारें थी, और जन्म जयंती से पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलेगा। बिहार के सबसे बड़े नेताओं में से एक रहे हैं, उन्हें ही माना जाता है कि पिछड़ी जाति की राजनीति जो है उन्होंने आगे बढ़ाई। तब से लेकर आज तक बिहार में कोई अगड़ा मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, और देखिए लालू यादव उन्हीं के चेले, नीतीश कुमार उन्हीं के चेले, और बिहार भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं उन्होंने भी कर्पूरी ठाकुर से बहुत कुछ सीखा है। रविंद्र सिंह मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, सबसे पहले ये बताइए, जन्म जयंती से पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना, मेरे ख्याल से बिहार की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा दांव चला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने। दीपक जी बिल्कुल, जन नायक थे बिहार में, कहलाते थे कर्पूरी ठाकुर, दो बार मुख्यमंत्री रहे, और आप जो वहां की सियासत है, चाहे नीतीश कुमार की हो या फिर लालू प्रसाद यादव की, बहुत कुछ कहीं ना कहीं कर्पूरी ठाकुर से प्रभावित भी रहा है, और बार बार वो लोग नाम भी लेते रहे हैं कि ये पिछड़ों के जननायक कोई रहा है तो कर्पूरी ठाकुर रहा है। काफी निर्धन परिवार से रहे, और एक और दिलचस्प बात है कि ये सबके सामने रहा है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी वो उनके पास जो राजेंद्र प्रसाद की जो हैसियत रही है राष्ट्रपति रहते हुए, जो सार्वजनिक जीवन में जो शुचिता रही है राजेंद्र प्रसाद की, बहुत कुछ कहीं ना कहीं कर्पूरी ठाकुर के रही है। दो बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद वो सादगी से रहते थे, और जन नायक की इसीलिए उपलब्धि रही है, और 24 जनवरी को उनका जन्म दिवस है, जन जयंती है, ऐसे में एक दिन पहले ये मास्टर स्ट्रोक है लोकसभा चुनाव में, और बिहार की सियासत को देखते हुए नीतीश कुमार जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे जो रामनाथ ठाकुर हैं, उनके पार्टी के सांसद हैं, और कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग के वो वोट बैंक की राजनीति नीतीश कुमार करते रहे हैं, लेकिन बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी सियासत की कि बीजेपी को इस गांव को रणनीतिक तौर पर भेदना नीतीश कुमार या लालू यादव के लिए काफी मुश्किल होगा, क्योंकि जन नायक जो वो लोग तमगा लेकर चलते थे कर्पूरी ठाकुर उनके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बाद एक कह सकते हैं कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भी बीजेपी और एनडीए के पाले में लाने में बहुत बड़ी एक दांव चली है। अच्छा, रणनीतिक तौर पर रविंद्र मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, आप काटिएगा मत, जुड़े रहिएगा। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कर्पूरी ठाकुर कौन है, कितनी बड़ी शख्सियत है कर्पूरी ठाकुर, और जितने पिछड़ों की राजनीति करते हैं उसके सबसे बड़े पुरोधा थे कर्पूरी ठाकुर। समस्तीपुर बिहार में इनका जन्म हुआ था, नाई जाति से आते थे, नाई जो बाल काटते हैं परंपरागत तरीके से उससे आते हैं, ये बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद दो बार मुख्यमंत्री रहे, स्वतंत्रता सेनानी थे, शिक्षक थे, राजनीतिज्ञ थे, लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता रहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर नाम से उन्हें पुकारा जाता रहा। समस्तीपुर के गांव पितेजिया में वो पैदा हुए थे जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है। इसके अलावा जो उनके पिताजी थे गोपाल ठाकुर, माताजी श्रीमती रामदुलारी देवी, उनके पिता एक सीमांत किसान थे तथा अपना पारंपरिक पेशा नाई का काम करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 26 महीने उन्होंने जेल में बिताए, वह 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1969 के दौरान दो बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। और मैं आपको ये भी बता दूं 24 जनवरी यानी आज 23 है, 22 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और अब 24 तारीख को जिस दिन उनकी जन्म जयंती है, 100 साल पूरे कर रहे हैं वो, 24 जनवरी 1924 को उनका जन्म हुआ था और उनका देहावसान 17 जनवरी 1988 को हुआ। कर्पूरी ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि एक कपड़ा पहनकर रहते थे, मुख्यमंत्री रहते हुए भी जो है शुचिता का, और साथ ही साथ जिसको कहते हैं कि शुचिता का पालन करने वाले वो इकलौते ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम राजनीतिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। परंपराएं बनाना, परंपराओं को निभाना, पिछड़े और दबे कुचलों की राजनीति करना, और साथ ही साथ कर्पूरी ठाकुर से प्रभावित रहे हैं तमाम नेता, कौन कौन, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे उस वक्त की बीजेपी के तमाम नेता हो, ये बात अलग है कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे इस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर है, लेकिन नीतीश कुमार ने आज तक मेरे ख्याल से मुझे नहीं याद कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग आज तक कभी किसी भी राजनीतिक पार्टी ने पुरजोर तरीके से की हो या उसको नेशनल एजेंडा बनाया हो।
जन्म जयंती से पहले उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। पिछड़ों के अब तक के सबसे बड़े नेता रहे हैं। जातीय जनगणना, जातिगत सामाजिक न्याय, इसके लिए कर्पूरी ठाकुर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मैंने आपको बताया पिछड़े परिवार से पैदा थे, उनके पिता एक छोटे किसान थे, साथ ही साथ नाई का व्यवसाय करते थे। Z News.